कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी गाइस, तो आज एक मज़े की रेसिपी बन रही थी, आसान है लेकिन उसमें खाने का बहुत मज़ा आता है। मैं बना रही हूँ जी आलू की भुजिया, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो मीडियम प्याज को कट किया और मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं इसके बाद बाकी चीज़ें कट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेसिपी जो है ना सहरी में बड़ी फेमस है, बहुत अच्छे से लोग ना इसे सहरी अच्छे से हो जाती है और अफ्तारी में भी अच्छे से खाई जाती है जी। गाइस तो ये आप कलर चेक करें, कितना मज़े का कलर लग रहा है। इसमें मैंने शिमला मिर्च, आधी सी शिमला मिर्च कट की है टेस्ट अच्छा करने के लिए, दो मैंने मीडियम टमाटर कट किए हैं और उसके बाद जो है मैंने हरी मिर्चें रख दी हैं। और आप कॉम्बिनेशन देखें कितने मज़े का लग रहा है, रेड और ग्रीन, मुझे बहुत इस तरह के अच्छा लगता है। तो चलें जी ये मैंने चीज़ें कट कर ली हैं और फ्रेश फ्रेश सी ये चीज़ें अब हम अंदर डालेंगे इसमें, जैसे ही प्याज थोड़े से हमारे ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। गाइस तो ये हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, अब इसके अंदर वो मैं सारा बैटर ऐड करने लगी हूँ, लाइक टमाटोज और जो मैंने मिर्चें वगैरह भी काट के रखी हुई हैं वो सब कुछ मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है कि आप ना इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना यूज़ करें, नॉर्मल से ऑयल में इसको आप बनाएं। जी गाइस ये देखें और इसमें कितना मज़े का ये कलर आ रहा है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, रेड ग्रीन और जो प्याज का भी अनियन वाइट कलर होता है, बहुत मज़े का लग रहा है। फ्राई हो रहे हैं, इनको हम अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे। गर ये थोड़ा सा हो गया है, अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी, ड्राई स्पाइसेस। ओके गाइस तो ये हैं जी इसके ड्राई स्पाइसेस, मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ये चाट मसाला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है चाट मसाला, उसके बाद ये हल्दी है, उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च, और ये है जी ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला, और ये है जी नमक। इनकी क्वांटिटी मैं लिख दूंगी, जो भी क्वांटिटी होगी वो मैं इनकी क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। तो ये ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, प्लस इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी है सोया सॉस, तो इस सोया सॉस को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ओके गाइस तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जा रहा है जो कि है अनारदाना ड्राइड, और ये बहुत मज़े का होता है, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ये ऐड करेंगे प्लस एंड में लेमन ऐड करेंगे, तो आप पूरी वीडियो देखें, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। जी गाइस तो मैंने बस इसके अंदर इतनी सी अजवाइन ऐड की है, आप देख सकते हैं बस इतनी सी अजवाइन है, थोड़ी सी आपने अजवाइन ऐड करनी है, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आता है। जी गाइस तो ये पोटैटोज़ जो हैं कट हो चुके हैं, इस शेप में आपने इनको कट करना है और बड़े मज़े के ये लगते हैं ऐसे से, और इनको बस मैं बड़े इनके अंदर डाल के इनकी भुनाई करूँगी। जी गाइस तो अब हमने इनकी भुनाई अच्छे से कर ली है, अब मैं इसके अंदर पानी डाल के, थोड़ा सा पानी नॉर्मल सा डाल के, तो इनको आलूओं को मैं कुक करने के लिए रख दूँगी, फिर मैं आपको एंड पे फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। देखिए मैंने हरी मिर्चें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐड की हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी आलू मीठे मीठे ना लगें तो इसलिए, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ट्रस्ट में कि मज़े की एक वो खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही है, बिकॉज मैंने इसके अंदर ऐसे इन्ग्रीडियंट्स ऐड किए। जी गाइस तो इनको दम मैंने लगाने के लिए रखने लगी हूँ, मैं आपको एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जो कि आपने इसके अंदर ऐड करना है, दैट इज़ चिकन सूप स्टॉक नॉर का, और ये आप बेशक एक इसके अंदर क्यूब ऐड कर दें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर इन्हांस होके आएगा। ठीक हो गया, तो ये लास्ट इन्ग्रीडियंट मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी ताकि इसके अंदर वो जो है ना घुल जाए अच्छे से। चलेंगे बस अब इसको दम लगा,